नहीं किया वो डायग्राम ना करो एक्चुअली ओरिजिन दिखाना चाहिए पहले मैं कोड बना लेता हूँ इस कोड को क्या बना दूंगा वर्ड वो बना ना वर्ड वो कोड किसका एलिप्स एलिप्स पे कोड क्या कोड एलिप्स का टेंजेंट है दूसरे का ऑक्सिलरी वाले का कोड है जितना पार्ट कटर है उतना हां ये वाला पार्ट केमिस्ट्री में टॉप पता किसने किया है गुंज पटेल 88 चीटिंग तो कल भी हुई है यार क्या बोल रहे हो क्लास में और बहुत तुम्हारे कान में टिन लोगों ने की है ऊपर तो नहीं है वही ऊपर तो नहीं उसके दो सब्जेक्ट में 120 नंबर आए हैं किसने घर पे ऑनलाइन दे रहा था ना तीन तो डेट का पेपर थोड़ा टफ होगा मेरे हिसाब से तुम्हारी मेहनत भी हार्ड की होगी तुमने दो दिन पहले जगते तुम आज पढ़ के आए हो चैप्टर वन तुम जो पर वो स्कूल का भी टाइम क्या बात है मैम नहीं है किस लोग वो भी दाम 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 सिंपल करो तुमको हर चीज अब देखो मैं तुमको आइडिया सोचना सिखा रहा हूँ बाकी क्वेश्चन तुम एग्जीक्यूट करोगे लेंथ ऑफ कोड का देखो सर दिमाग में पहला डायलॉग क्या आता होगा 9 10 से क्या आता है क्या पावर ऑफ पॉइंट सर्कल के कोड की लेंथ निकालनी है बाइसेप हां तो कोड लेंथ कैसे निकाल लेंथ ऑफ कोड कैसे निकाल सेंटर से परपेंडिकुलर सर्कल के केस में मैं तुमको चिल्ला के पागल हो गया था कि ये यही मैं पूरी बात में करूंगा ये मैं मुझे परपेंडिकुलर डाल दूंगा ये रेडियस पता है तो ये डिसेंडिंग निकल जाएगी उसका डबल कर दूंगा तो ये आ जाएगा तो तुमने बोला कि सर इस केस में भी रेडियस तो पता है अपने को रेडियस कितनी होती है ए तो ये कुछ ऐसा सोचो ना ये अपने पास ए है ना अगर कोई बच्चा मुझे लॉजिक लगता है ये मैंने पॉइंट बाहर ही क्यों माना क्योंकि अंदर वो डायमीटर होगा तभी 90 बना सकता है वो बाहर वाले की रेडियस अंदर गुड पॉइंट का इंटरसेक्टिंग पॉइंट टेंजेंट भी याद किया था अपने वो किस कर्व पे लाई करता है ए कॉस थीटा ये था ना थीटा 2 हां 2 और नीचे कॉस थीटा माइनस नीचे 2 इधर ना माइनस अब कौन एलिप्स ये जो कौन से सर्कल पे लाई करेगा ऐसा पॉइंट ऐसा समझ लो ना ऐसा था ये वाला तो डायरेक्ट कर सकते हैं क्या 2k / b आ रहा है
UK by P. इसके बारे में कमेंट कर नहीं सकते, मैं सोच रहा था कमेंट कर सकते थे कि कौन कहाँ लाइक करेगा इसके अंदर, अगर वैसे भी लेकिन ए से बड़ा है से छोटा है इसका पूछ रहा था वैसे मुझे वो इंटरेस्ट वैसे लाइव भी करता कोई इफेक्ट नहीं करेगा क्वेश्चन अपने को इस लेंथ निकालनी है अली तो जो जो डायलॉग काम आते हैं वही काम करेंगे लेकिन बस कैलकुलेटर और स्मार्ट करोगे तुम पेपर में मैंने ये भी देखो ये तुमने पी मान लिया और ये तुमने परपेंडिकुलर डाल दिया ठीक है ना और ये मान लेटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी है तो मुझे बताओ बिना जब तक क्षितिज लेके आता है तब तक ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी पूरी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी जब तक वो आता है मैंने तुमको बोला था कि मेरी इस चैप्टर में पूरी आदत किस पे जाएगी कौन सी टेन स्लोप मुझे लिखनी ये लाइन क्या मैं मानूंगा y = mx + a √ a² + b² मैं अभी फिर प्लस वाले और माइनस वाले ले लूं अच्छा माइनस वाले ले सकते कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है यही ना b² b² मतलब सर्कल की ये रटा हुआ सर्कल का अभी को ज्यादा रटना सेल्फी के अधिकार पर प्लस b² तो इसकी ये जो मेरे को pq डिस्टेंस आएगी pq डिस्टेंस कॉल्स कर तुमने क्या बोला था अभी 4 a² - b² a² - p² अब p² के बारे में तो मुझे यहां से बताओ p इस p p के बारे में समझते ना हां परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस लाइन हां स्ट्रेट लाइन रीजन 0 0 बोलो बोलो प्लीज बोलो a² + b² / 1 + m² + p² चाहिए था ना हां तो p² भी कर रहा हूं हां और अंडर में आता वन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर वन प्लस एम स्क्वायर आई थिंक तुम मेरी बात समझ पाए हो अंडर रूट होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस में पूरे पे पूरे पे स्क्वायर होता है ये सही है सही तो है मैं ये सही से तुम अगर फंडामेंटल बहुत कभी कभार अभी तुम लेकिन तुमने बोला सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को जानते हैं ई स्क्वायर अभी वो नॉर्मली एक क्वेश्चन में ए स्क्वायर अब और क्या 1 + m² आई थिंक तुमने पी क्यू स्क्वायर पे इंटरेस्ट पूरा फोकस पी क्यू पे लगा दिया अभी सिमिलरली ऐसे ही मुझे आर और क्या निकालना था एस ठीक है अब मुझे कोई भी बिना पेन चले अगर आरएस का सोच कर मैं बिना पेन चला लिखना चाहता हूं एम की जगह माइनस 1 बाय शाबाश क्योंकि ये दोनों कितने डिग्री पे कट करते हैं 90 डिग्री पे कट करते हैं ये कहां अभी ऑक्सिलरी सर्कल पे लाई करेगा हां ऑक्सिलरी सर्कल का मतलब एक कौन सा सर्कल पे लाई करने वाला पॉइंट x² + y² = ऑक्सिलरी a + b² a² + b² सही तो बाहर होगा ना b² तो अरे डायरेक्ट हो जाए तो कि इस ऑक्सिलरी सर्कल होता ना ऑक्सिलरी में तो a² ही होगा 90 डिग्री तो कहां पे लाई करेगा डायरेक्ट सर्कल होगा x² + y² कितना हो जाएगा मतलब ये वाला पॉइंट अभी डायग्राम से सही भी बन गया ये बाहर ही जाता क्योंकि ये वाला पॉइंट a होता इस a² + b² तो rs का ऑक्सिलर तुमने बस तुमने चालाकी कर ली 4² e² अपन ने कितना जा 1 / m² है ना तो तुम बोलो तो इनको ऐड करो ऊपर खाली m² चला जाएगा क्यों ऐड करोगे तो इनको क्या आ जाएगा सोचो क्या आ रहा है प्लीज बोलो बोलो अरे 4 a² e² हां 4 a² e² ही आएगा हां 1 + m² कट जाएगा वो 1 + m² ऊपर जाके होगा हां इक्वल्स टू 4 a² e² हां 2 a² होल स्क्वायर हां
अरे ऐड करो 4 एच की कॉमन लेना ये कट जाएगा हो गया ब्रो कुछ लॉजिक नहीं था जो कहता है था वो काम करते जाओ ऑगले सर्कल डायरेक्ट सर्कल नॉर्मल इक्वेशन वो तो याद भी होगी एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर बाय एक्स वन प्लस माइनस बी माइनस बी स्क्वायर प्लस क्यू बोलता है माइनस बी पेरिमीटर वाला भी उसमें मैंने एरिया निकाल दिया 8 किया ना हां एरिया सेम हमने भी पेरिमीटर की जगह एरिया कर और एलिप्स की और टेंजेंट और फोकल कोड से पास होती है वो किया नहीं किया किसी ने कौन सा वो एलिप्स वाइस प्रिंसिपल पैराबोला की फोकल कोड से ये उस पे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे इंटरसेक्ट हां हां वो हो गया था शायद से तुमने तो ऑप्शन रख के किए थे वो टू को हमारा कुछ ऐसा करके हो गया वो मैंने इसने बताया है तो बस देखो वो अभी वो क्वेश्चन को ना अब तुम ये सारे ना और कल जो भी पूरा मैथ्स का पेपर था ना मैंने कुछ नहीं बनाया मैंने एनटी के पेपर से बनाया अब वो जेई मेन से क्वेश्चंस हैं अब वो क्वेश्चन क्या था इंग्लिश में बोलेगा क्या था 4 का स्क्वायर होगा प्लस y स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर चलो अब लोग लॉजिक से इसकी जो टेंजेंट है ना और पैराबोला के फोकस से क्या हो रही है पास रियल लाइफ में मतलब ऐसा एक्स डायग्राम तो नहीं पर भावना यही है ना अब मेरे पास दो तरीकों से ऑप्शन है या तो मैंने हालांकि जो क्लास में चिल्ला चिल्ला के बोलता हूँ कि इसके अपन किसी इक्वेशन में लिख लेते हैं स्लो को में y इक्वल टू mx रूट a स्क्वायर a स्क्वायर m स्क्वायर ना 16 m स्क्वायर प्लस कितना 4b बस इसमें इसमें प्रॉब्लम पता है क्या ये वाला फॉर्म मैं पेपर में क्यों नहीं लगाऊंगा उसमें उसने पूछा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पूछा है और मुझे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मैंने एम में लिखवाया नहीं सोच पा रहे हो उसने बोला कौन से पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ की है तो मैंने तो फिर अपना फंडामेंटल चला के थीटा मान लेते हैं इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी x को रिप्लेस में x x1 x cos is 16 मान लेते हैं हां x cos थीटा / 4 x cos theta by 4 y sin theta by 2 is equal to 1 put 12 था ना 3,0 जो भी था 4 equal to 12 हाँ तो 3 cos theta by 4 is equal to कितना 1 cos तो 4 by 3 मतलब वैल्यूज मुझे नहीं पता लेकिन मान लेते थे ये हो गए 32 आ गया चलो कोई सम कॉन्वर्ट समझ आ गया साइन की वैल्यू आ गई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गया एक कोसेट अभी साइन थीटा फंडामेंटल बेटा बिल्कुल सवाल फंडामेंटली सोचा करो कि बिल्कुल प्यार से कैलकुलेशन डेवलप करें और सेमी एलएलआर वाली प्रॉपर्टी करते देख सवाल एचपी में होता है हां वो नो डाउट अबे टफ मिला मैसी होगा कल लेकिन उसमें बस मेरे को क्विज ने बचा लिया ये 3-4 क्वेश्चन ऐसे और क्वेश्चन मिस्टर गोगी इंटीग्रेशन में इजी दिया था इंटीग्रेशन में लेकिन मेरा भी तो एनटीए के थे
कैसी गलती उसने 12th किया है क्वेश्चन पेपर में उसके नंबर लिमिट वाला अरे वो रूल बैंड मैंने पूरा गलत कैसे हो रहा है कोर्स एक्स वाला पूरे बैच में किसी बच्चे का सही नहीं पूरे 50 बच्चों का वो कोर्स एक्स के लिमिट वाला फिर वो विनीत ने बोला उसका हो गया था किसी बात पर ना इधर वाला था लिख लिया नॉर्मल टू ए गिवन पॉइंट एच को मार्क करो नॉर्मल थ्रू ए गिवन पॉइंट एच कॉमा के जैसे पैराबोला में क्या होता है यदि इंटीरियर साइड का एक पॉइंट लाई करता है तो मैक्सिमम कितने नॉर्मल ड्रॉ कर सकते थे अपन तीन अभी ये जानने की इच्छा हुई इलिप्स में मैक्सिमम हाँ चार अंदर होते तो चार बाहर होते तो दो ऐसा नॉर्मल हाँ नहीं मैं भी सही भी हो रहा बाहर से बॉल दो तीन बाहर से सिर्फ चलो देखते हैं मैथमेटिकल को दिखाएगा वही मैं मान लूंगा क्योंकि ये मैंने थीटा मान लिया ये एच कॉमा कैसे कितने नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं मैक्सिमम ना तो मुझे नॉर्मल की इक्वेशन याद नहीं आ रही है क्या थी तो अभी तुमने बोला था बी एक्स माइनस अब मुझे कौन से पॉइंट से नॉर्मल निकल ए एच सेक थीटा माइनस कितना कोई दिक्कत नहीं सर मुझे अभी इन दोनों को 10 के हाफ एंगल में लिख रहा हूँ ठीक है तुम्हारी ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रॉन्ग कराने की इच्छा होगी बाकी मेरा कोई है लॉजिक तो है लेकिन मैं कहता तुम्हारी ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रॉन्ग हो जाए याद आ रहा है ऐसा कुछ होगा तो कितना हो जाएगा इसको इसमें लिखोगे तो h1 plus t square theta by 1 plus t square upon में कितना 1 minus t square bk 1 plus t square upon 2t 2t is equal to कितना देगा a square minus t square एलसीएम एलसीएम लेके क्या आ रहा है मैक्सिमम कितने डिग्री का आ रहा है क्यूब क्यूब आ रहा है 4 डिग्री 4 डिग्री आ रहा है क्या क्यूब आ रहा है t square और t square 4 डिग्री में ये t तो कट हो जाएगा ना उसके नीचे नहीं कितना bk के साथ कितना देगा 1 minus t की पावर 4 उधर भी ले गया ना minus 2ht 1 plus t square और plus a square minus b square into कितना 2t 2t minus 2t 1 minus t t में bi-quadratic बन गई है अब मैं सोच रहा था कि इसके रूट जो होंगे तुम रूट दिखे ना tan theta 1 by 2 ठीक है ना अब मैं आज ही सोच रहा था मैंने बोला इजान अभी एक बार मुझे क्लास में से पूछ ले कि सर इसके दो रूट सिंबल अब भी आपने बोला कि चार रूट होंगे ना यदि कोई मान लो दो अलग थीटा के लिए 10 की वैल्यू सेम आ जाए तो पाई प्लस होगा इस थीटा पे टू दिस ले लिया तो हां मतलब वही वही पाई प्लस मतलब वो सेम मैंने के लिए नॉर्मल नहीं मैंने बोला कि दो अलग थीटा के लिए 10 थीटा थीटा वन कुछ और लिया थीटा 3 कुछ और लिया लेकिन उसके दोनों के 10 की कॉरस्पोंडिंग वैल्यू सेम आ गई है पाई प्लस होगा एक और
एक नीचे वाला हाफ मोबाइल इसके लिए मैंने ये किया था जीरो से लेके कहां तक था तुम्हें पता टेन जीरो से लेके पाई टेन वन वन फंक्शन होता है मैनी वन होता है वन वन इसका मतलब है कि मैक्सिमम ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कितने दे सकता है तो एटमोस्ट फोर नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम टू बाय क्वालिटी के मिनिमम दो रूट के बारे में कोई फिर चार रूट सर मिनिमम एक रूट इसमें एक रूट भी हो सकता है वर्ड नहीं हो सकते इवन वैसे मैथमेटिकली पर वैसे साइड एकदम एक्सिस पे रखे हैं हां तो दोनों पर दो पॉइंट्स के लिए सेम काम करेगा वो नो डाउट नॉर्मल एक काउंट होंगे लेकिन यहां जो थीटा पर ऐसे वैसे तो फोर नॉर्मल का मतलब पता है ये लिख सकते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हां ओके विद द एलिप्स समझ आ रहा है तो वो उस तेरी बात समझ तो कहना क्या चाह रहा है इसमें दो आ रहे हैं सेम रूट्स की बात ये ही बात कर रहा है एक्सिस नॉर्मल ये नॉर्मल तो एक ही है एक्सिस लेकिन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कितने हैं दो ठीक है तो अब दो लेके लिए दो कैसे प्रूव कर सकते कोई मैथमेटिकली बता सकता है मतलब बाय क्वालिटी के चार रूट हैं तुमने बोला या तो दो जीरो पर जाओ मतलब तुम कैसे बता सकते हो कि दो ही रूट होंगे चार बाय क्वालिटी में मिनिमम दो रूट होते हैं क्या तो वहाँ से दो नॉर्मल होगी बार होगा तो जीरो नॉर्मल होंगी मैंने ऐसे पूछ लिया ये क्वेश्चन देखते ही तुमसे ऐसा पूछ लू मिनिमम नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे रियल रूट्स इक्वालिटी का सवाल करा देता हूं बस इक्वालिटी के क्वेश्चन का सवाल डाल दिया फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ रूट्स सर एक सेकंड बी निकाल ले लो बी दो निकाला निकाल मैं इधर बी के की पावर टी की पावर कितना आ रहा है 4 ये गन कांस्टेंट कितना आ रहा है कांस्टेंट माइनस टू एच डी आई थिंक डी के थैंक यू बेटा बाकी इतनी देर सोचने में लगाते हैं अरे डी है ठीक है ना यहाँ तो कोई दिक्कत अब मुझे बस एक और क्वेश्चन में कंफ्यूज उसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स माइनस जो माइनस वन होगा तो ऐसे जीरो रूट्स में कैसे हो सकता है उसका प्रोडक्ट क्या अगर रूट एक भी नहीं है हाँ जीरो रूट्स है तो हो ही नहीं सकता ना प्रोडक्ट वन कैसे आ सकता प्रोडक्ट माइनस वन हुआ ना तो ऐसे बोला ऐसा बोलना चाह रहा है ऐसे तो क्वाड्रेटिक में भी नो रूट्स होते हैं तो भी कांस्टेंट होता है लेकिन इमेजिनरी रूट का प्रोडक्ट भी माइनस वन हो सकता है ना ए प्लस आइटा लेकिन हाँ थोड़ा सा करके बोल सकते हैं ए प्लस आइटा भी इमेजिनरी रूट पेयर में अकर होते हैं तो पेयर में जो अकर होते हैं उनका जो रूट प्रोडक्ट रूट होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा भाई लेट से ए प्लस आइटा भी ये पेयर में आया एक रूट ठीक है पर एक है सी प्लस आइटा जी दूसरा सी माइनस आइटा तो इन दोनों का पेयर कितना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है तो प्रोडक्ट रूट क्या आएगा दो पॉजिटिव नंबर का समझ में आ रहा है लेकिन क्या इन दोनों का माइनस वन बन सकता है दो पॉजिटिव नंबर का प्रोडक्ट ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव तो इसलिए चार वाला कैंसिल आउट हो गया जीरो रूट नहीं हो सकते जीरो रूट नहीं हो सकते चलो ये लेकिन अब थोड़ा और अच्छा दिमाग लगा चलो ये अच्छा एक ट्रैक और एक ऑब्जर्वेशन ट्रैक हो गया मेरे अब तुमको लगता नहीं कि टी की पावर यदि मैं टी की पावर फोर बाहर निकाल लूँ लेट अस से तो माइनस बी के और यहाँ गंदवाड़ा बचेगा प्लस कितना बी के बाई टी इज इक्वल टू जीरो ना और मैंने अब देखो मेरे को तो आई बी टी थ्योरम वो सब लगाने की इच्छा हो रही है मैंने क्या किया टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी प्लस माइनस इन्फिनिटी भी चेक किया ये टी में बाय क्वार्टिक बन गई थी ना मैंने हाईएस्ट पावर पार निकाल दी वो रिजल्ट टी पावर 4 आया टी की पावर 4 डन कोई दिक्कत अब मुझे तो ये देखना है और बीके का साइन कुछ भी मान लो पॉजिटिव मान लो नेगेटिव मान लो जीरो पे मैं बता दूंगा जीरो पे वो एक्सिस इतना रूट बन जाएगा ठीक है ना और बीके इक्वल टू 0 तो बी इक्वल टू कितना होगा 0 0 तो के इक्वल टू 0
बी तो जीरो नहीं हो सकता ना, k = कितना जीरो, k = जीरो होगा तो पॉइंट इस पे आ गया एग्जैक्ट, तो वो तो फिर दो पॉइंट ऑफ कनेक्ट दिख ही रहे हैं। लेकिन अब इस केस में देखते हैं t इक्वल अपने मान लिए बाय क्वाड्रेटिक, अब इसके रूट्स का नेचर देखना है, प्लस इनफिनिटी पे कैसा बिहेव करेगा, प्लस इनफिनिटी पे नेगेटिव कैसा बिहेव करेगा, माइनस नेगेटिव, अरे ये माइनस बी के को उधर ले दो, हां मतलब माइनस साइन उधर ले दो, यहां पे इक्वल एफ आ जाएगा, हां अब प्लस बी, बी के का साइन मैंने पॉजिटिव मान लिया, हां तो ये प्लस इनफिनिटी, तो ये पॉजिटिव के साथ एफ ऑफ लेट अस से एफ ऑफ टी है ना, हां तो एफ ऑफ टी के साथ है पॉजिटिव, माइनस इनफिनिटी पे भी क्या आएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव हां ठीक है, और t = 0 पे कितना आएगा, 0 नहीं 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 सर 0 एग्जैक्ट 0 पे एग्जैक्ट जीरो पे रख दे ना, कितना रहा बी, कितना रहा है बी के, हां अरे इस इस यदि इसको और ना इसमें रखो ना फिर, हां तो माइनस कितना है माइनस, तो एफ ऑफ जीरो क्या है माइनस बी क्या है ना, हां इसके बारे में सोचो, कंटीन्यूअस तो होगा ही, इनफिनिटी पे पॉजिटिव जीरो और जीरो पे नेगेटिव है तो कितनी बार बाय बाय आईवीटी थ्योरम एटलीस्ट दो रूट क्या मिल जाएंगे इसको, हो गया तो मिनिमम कितने नॉर्मल कैन बी ड्रॉन, दो नॉर्मल मतलब क्या, यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, क्योंकि मेरे से एक वो पिछली बार एक बच्चे ने पूछ लिया था कि सर वही बी के जीरो ले लेंगे, तो बोल दिया अभी कि ये तो ये नॉर्मल पे ही काउंट कहलाएगा, और मिन टू नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एच कॉमा के, ठीक है हालांकि इसका कुछ यूज नहीं आएगा लेकिन इन्फॉर्मेशन के लिए पता होना चाहिए कि कितने नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं, चार और दो, जैसे पैराबोला के इसमें अपन कितने तीन तीन और एक, अब हम ब्लॉक का प्रॉब्लम फिर मिलने वाली नॉर्मल पे एक्सपर्ट हो चुके नोट का, तो वो मैंने कॉपी वॉपी देखते हैं क्या तुम्हारे दोस्तों की जो पोथरा वोथरा पढ़ते हैं एलएलएल में कि उनको इंग्लिश के क्वेश्चन कैसे कराते हैं, पर देखो कॉपी वगैरह वो लिमिट वेमिट की तुम थोड़ा आइडिया रहेगा कि क्या हो रहा है तुम्हारे में, प्रॉब्लम हम जेलस की भी नहीं होते थोड़ी जल्दी नहीं है तुम बेशरम होना, मिलते भी होंगे तो कैसी बात करेंगे, फुटबॉल की मूवी की गेम की गर्लफ्रेंड की और फालतू की ना, सिर्फ फुटबॉल की, फुटबॉल की मूवी, अभी लोगों को पढ़ने का ना पढ़ने का मौका और मिल गया, अभी वो पहले फुटबॉल के साथ आईपीएल भी स्टार्ट होगा मुझे लगा ना, मैं तो देख रही हूँ तेरे को तो सारे डिस्ट्रैक्शन है टीवी वाले, सीरियल आईपीएल आज जिस मैच में जिस, अब तुम देखो मैच में बैठने से फर्स्ट चैप्टर टेस्ट है, तब तक तुम फर्स्ट चैप्टर में कोई भी डाउट वर्ड हो योगी लगा लो, इस स्कूल एग्जाम में तुम खराब कर लोगे, तो तुम्हें बाइंडिंग ऑपरेशन सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना कट गया ना सीबीएसई में, तो उतने अब तू कब तक इस बार तेरा नंबर नहीं आया ना बेटा बोर्ड में, तो तेरे को मैं बोर्ड टाइप वाली शिफ्ट कर दूंगा, प्रशांत कब कैसे मैनेज किया पेपर, नहीं नहीं ऐसे मत बोल, ऐसे बता ऑनेस्ट रहेगा ना मैं कम लूंगा, नहीं तो मैं उम्र मंगा के सारे क्वेश्चन करवा दूंगा, तो मैनेज कैसे किया कर, मैं तेरे माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि जब दुनिया में तुम्हें लग रहा है कि दुनिया में कुछ नहीं हो सकता तब भी भगवान से दुआ कर हो सकता है कैसे मैनेज किया, एक एक बोल दो ऑनेस्ट है बस, उसको अगर कमेंट सर ने बेहतर लग गई, नहीं 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 ऑनेस्ट है मैं बताएगा, हाँ बता बता, अरे बता फोन करूंगा बाबा, हाँ तो बता फिर पेड़ से तो ग्रोन सुन सुन के ऐसा, या फिर कभी पानी वानी पीने गया देख लिया नहीं गया,
तो गुंद निकल कैसे किया गुंद को करने लगी किसी को आना भी तो चाहिए था 88 इंटीजर टाइप भी सब सही बेटा अभी इस पे क्वेश्चन बनाते हैं लिख लिए सर्कल होता है उसमें 3 points से यूनिक सर्कल पास होता है हाँ तो कॉनिक्स के लिए 5 points होता है कि क्या होता है 5 points से एक यूनिक कॉनिक पास होता है ऐसा सुना था मैंने तो सच है क्या 5 points के लिए तो क्यों पैराबोला के लिए अपन कितने होगा 5 point होकर तो कोई भी रैंडम उसमें से एक कॉनिक तो पास होगा और वो यूनिक होगा पैराबोला 2 points अच्छा पास हो ही सकता है यूनिक यूनिक पैराबोला 2 points से कैसे 2 points है एक ऐसा पैराबोला पास होगा इनफाइनाइट हो सकता है वैसे ऐसे कोई भी यूनिक 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 की थी ना यूनिक मतलब यूनिक सर उसके लिए 3 points चाहिए होंगे मैंने ना रुक एक में ध्यान तो आ रहा है ना 5 से कम भी हो जाना चाहिए रुक मैंने एक क्वेश्चन देखा कि पांडे अरे रुक ना पैराबोला के लिए तो कितने 2 points एलिप्स 2 points हो जाएगा ना 3 स्टैंडर्ड एलिप्स की बात कर रहा हूं ना एक 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 कॉनिक नहीं मतलब पूरे कॉनिक्स में से कोई भी एक अच्छा समझ गया तेरी बात आ गया मिनिमम नहीं तो बोला कि हर कॉनिक के लिए ट्रू दे ऐसे क्वेश्चन को बोर्ड में भी किए ना फाइंड द इक्वेशन ऑफ पास इन 3.45.6 तो तुम क्या करते लेट द इक्वेशन ऑफ एलिप्स एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड पूरे देखना पड़ेगा इन 5 से शायद तक हो जाना चाहिए 4 पॉइंट भी बना दे सपोज इसे 4 पैराबोला में लाइन बनाए तो उसमें हाइपरबोला भी पास तो होगा ही 5 वो तो सारे कॉनिक 4 पॉइंट से पास कर 5 से3 points से भी अपने को मिनिमम चाहिए उससे कॉलेज को पास कर 3 points से सर्कल भी हो सकता है नहीं साथ में और डेल्टा भी होना चाहिए ना हाँ अरे जनरल क्वालिफिकेशन क्या होती है x का प्लस y का प्लस 2 जीन्स प्लस 2 एफआई प्लस 2 एच क्या कितना नंबर होती है जी एच एच सी ए ए बी बी सी ये वो तो 5 कितने हो गए ए बी जी एफ और एच 5 हो गए तो सी तो है हां सी छह जी ए बी सी को नहीं कितना होगा उनके जैसे सम ऑफ फ्रूट्स याद है पैराबोला में क्या होता T1 प्लस T2 प्लस T3 का सम कितना होता कोऑर्डिनेट को पैरामीटर का 0 अब उसको ये भी याद है कि T1 T2 से नॉर्मल ड्रॉ करें T3 को जाके बढ़े T1
तुमने बोला कि ये चलो मैं हिंट देता हूँ लेकिन तुम ये करो मैं एक कितना बाइट बोलूँ ये रूट तो सब वो ही ना एक ऐसे थोड़ा गेस जीरो मैं मतलब बी आप और टू पाई एन पाई टू एन पाई यार तुमको एस वन माइनस एस ए बोलो चार का वन माइनस एस टू प्लस ना एस वन एस वन का मतलब एस पहले इन दोनों को निकालते नीचे वाले को फिर ऊपर वाले का ठीक है S2 का मतलब क्या दो दो का प्रोडक्ट का सम का दो दो का प्रोडक्ट का सम बताओ कितना आ रहा है दो दो का प्रोडक्ट का सम कितना आ रहा है अरे पहले S3 S4 निकालो ना S4 वो सबका प्रोडक्ट का प्रोडक्ट 1 माइनस -1 है प्लस -1 माइनस 1 पहले माइनस उधर से लिखा था हां माइनस 1 दो का मतलब तीस के टर्म देखनी है पहले से 3-3 करके फिर 2-2 मतलब टी की टर्म निकाल ली टी स्क्वायर टी से टर्म नहीं आ रही है टी स्क्वायर टर्म है नहीं है देख ले जीरो जीरो अरे नीचे नीचे नहीं हो गया टर्म टर्म बाय डन जीरो जीरो कितना हुआ इनफिनिटी इसका मतलब ये ऑड टेन कब ऑड मल्टीपल बाय बाय 2 तो 2 एंड थीटा 1 प्लस 4n प्लस 1 थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू कितना 2n प्लस 1 पाई 2n प्लस 1 पाई बाय 2 हां 4 पाई हो इन के जो सेंट्रिक एंगल का जो सम है ऑड ऑड पाई का मल्टीपल होना चाहिए और n बिलोंग्स टू z ये अगर पाई तो बने थीटा 0 बना हां वही हां ये क्या मार रहे थे अरे वो 2 पाई ही आया तो मैं 0 लेट कर दिया 2 पाई समझ में आ रहा है देखो डिवीजन होगी ट्रिग्नोमेट्री के कौन है ये ट्रिग्नोमेट्री तू था ना स्टार्टिंग के दिनों में जब उत्तर टफ लगता था बहुत ज्यादा यार तो बहुत स्टार्टिंग में कर बहुत स्टार्टिंग एकदम स्टार्टिंग में तब तो सब एक साथ हां पर एडिटिव में ही नहीं था सब वो ट्रिग्नोमेट्री किसी ने नहीं पढ़ी है तुमको 11 के सबसे पहले कौन चैप्टर की रिवीजन करनी है क्वेश्चंस के तो सीक्वेंस एंड सीरीज ना मोस्टली मैं आज तुमको एक शीट दूंगा 5-5 क्वेश्चन करने ज्यादा नहीं ज्यादा करोगे समझ में आना बंद हो फिर इतना टाइम मिलेगा तुमको वैसे भी मिलता सीक्वेंस बाइनोमियल और ये स्टोर कर लो पीएनसी तो मैं प्रोबेबिलिटी टाइम में तुम्हारा पीएनसी क्वेश्चन पीएनसी स्टार्ट करूंगा लास्ट वो जब करेंगे पीएनसी प्रोबेबिलिटी क्वाड्रेटिक स्ट्रेट लाइन सर्कल सर्कल तो याद है क्वाड्रेटिक मस्त होता है सर्कल तो अभी इसी याद है पे तो लोकेशन अलग ही जेई में लोकेशन रूट भी आता है डन क्लियर प्रूफ कर लिखा दूंगा ये ले बस और ये अपना भी ये सब समझ ये हां बेटा वो बोल सी ये थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस थीटा 4 बाय 2 है वो ऑड मल्टीपल ऑफ 5 बाय 2 है हां इनटू 2 नहीं करना पड़ेगा अरे 2 2 दोनों में नीचे से डाल अरे हां ऑड तो ऑड मल्टीपल ऑफ 5 ओके मेरा गलत देख लिया दोस्तों मान गए
भी दिख रहा तेरे काश मैं ट्रांसपेरेंट होता ए तो ये यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या बोलते हैं एक छेद तीन छेद एक जवान दो छेद तुम्हारे चालू हो गए इतने में हाँ बोर्ड में स्टार्ट हो गया जेमी नहीं हो ना नहीं नहीं इससे तो बहुत दूर है एक क्वेश्चन लेंगे पहले अकला ले नहीं एक सेकंड कल तो बस सेटिंग कर रहा था पहले पहले तो बोला कि मेरे सारे गलत है पहले से बोल देते हैं मैं तो सब गलत होने वाले तो क्यों मारे पीछे ये फर्स्ट से यस सेकंड से यस फोर्थ से यस सर पर आपने पहले मेरे साथ चेक करवाए तो वो पेरिमीटर का एरिया वो सब इसको तो बाकी क्या तुमको पता चल गया था अरे आपने बोला सब जाओ घर पे घर पे अपलोड होता है फिर मैं चला गया क्योंकि ये ऊपर ये लोग ऊपर थे नीचे वो थे उसके साथ बात हो गई जितने तक बात हो गई उन्हें तो मैच इतना अच्छा करता है ना उसे जब तक वो बहुत सारे वीक सब्जेक्ट मैच उस पर काम करना चाहिए अभी कल वाला पेपर दो बार सॉल्व करना चाहिए अब वो इस सवाल में मैं देख रहा हूँ कोई बच्चा पत्नी एक ने किया होगा ये वाला वो साइन इनवर्स वाला रूट वाला सवाल कौन सा था वो साइन इनवर्स रूट है हां वो हमने इजीली तो भी नहीं हुआ मेरे से मैं पहले तो तुमको मैं अपने हाथों से करता हूँ तुमको वो बुक का सोल्यूशन भी मत देखो और भी बेकार है ये क्या लिखा हुआ है ये समझता ना किससे होगा दे वाला सर छोड़ दिया था वो याय तो की थी सर वो रैशनलाइज करके डिजाइन इनवर्स को थीटा मानना था तुम देखो अभी तुम्हारे को बिना बहुत छोटे में सोल्यूशन दे देता हूँ मैंने सर ये समझता ना तुमको पता है सर ये रूट देखो सर रैशनलाइजेशन करेंगे तो नीचे देखो रैशनलाइजेशन करने की टेक्निक बताई थी 2π plus 2π, root 2π plus root 2π कर देते थे और सर ये ऐसा करते थे सर डायलॉग काम आएंगे तो सवाल हो जाएंगे हो गया ना कुछ समझ उड़ गया क्या नहीं देखो मैं बोल रहा हूँ उड़ेगा क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करता तुम ये तो रेशनलाइज किया अरे बोलो नीचे root 2π उधर साइन इनवर्स सही लिख रहा ना अभी उधर साइन ये बेचारा उस भावना में फंसा हुआ है अरे मैंने उधर वन भी रख दिया ओके ओके हाँ लास्ट में रखते हैं ठीक है ना अरे वो बेटा क्या किसमें फंस गया मेरी बातों में आ गया ये एक्स माइनस वन है ये माने 3x-3 है और लिमिट रेशनलाइज करूंगा तो मैं इधर हमेशा मुझे पता ये कितना हो जाएगा नहीं लिमिट कुछ भी डालो एक्सटेंडिंग चल कितने तो वन ले लेता हूँ ना ये ऐसे करा करो ऐसे नहीं करोगे तुम पेपर थोड़ी देने आए हो तुम तो शक्ल देखने आए हो आगे लिखते जाएंगे ऐसे ऐसे लिखते जाओगे यहाँ तक समझ में आ रहा है अभी तुम और फायदे दिखाता हूँ तुमको पता है पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स तो मजा है यहाँ पे चार बार निकाला देखो मैं उनका सॉल्यूशन भी नहीं बता रहा जो उनका एनसीईआरटी वाला है पाई बाय यहाँ से अब डायलॉग्स बोलूं ये क्या होगा कॉस इनवर्स एक्स अब तो और भी सेक्स सॉल्यूशन दूंगा तुम्हारे काम के लिए याद होंगे ना वो करके दिखाऊंगा मैं ये टेंडिंग टू 2 रूट 2 पाई और एक्स एन इन कितना अब कॉस इनवर्स जैसे तुम क्या मानोगे थीटा ये लो अरे नीचे कॉस थीटा अरे रिसर्च में नहीं करूंगा मैं गन तो नहीं करूंगा वो डायरेक्ट ऐसे नहीं हां थीटा 1 कॉस 1 माइनस कॉस थीटा देखो कितना बड़ा सॉल्यूशन कर रहा हूं अब थीटा टेंडिंग टू कितना हो 0 प्लस हां मुझे बोलना नहीं चाहिए 0 प्लस क्यों लिखा मैंने 1 माइनस 1 से थीटा स्क्वायर से ठीक है ये 1/2 हो जाएगा ठीक और ये 4 थीटा हां तो कैसे बोला 0 प्लस पे थीटा मारा थीटा क्या अब तुम कौन लगता कि तुमसे सवाल हो जाता क्या करते तुम लोग जो भी आया अभी देख लो टू बाय आ गया ना रूट रूट कर गया तो ये फंडामेंटल वीक है ना तुम क्वेश्चन को देखते ही पहली बार मैंने समझ गया क्वेश्चन देखते तुम रूट देखते ही छोड़ दोगे और वो भी इनवर्स भी था रूट के अंदर क्या था आईटीएफ देखते ही बस अभी हमसे हो गया
और सेम सवाल वो cos x वाला था, वो तुमने छोड़ दी लिमिट में, वो ट्राई किया था तुम्हारी टेक्निक नहीं ना, जैसे तुम अभी अभी मैं ये क्वेश्चन मैंने करा दिया घर पे जाके कभी डाइनिंग टेबल पर सकते हो सर वो इक्वेशन, अभी तुमने एकदम से पूछो नॉर्मल इक्वेशन मैंने कैसे प्रूव की थी, ये वाली ये bx x थीटा वाली, हां प्रूव करनी आ रही कैसे का बाय 2 का फार्मूला लेकर आज का नहीं bx x x थीटा माइनस ले बाय तुम तुम्हारे दिमाग में ऐसे की प्रूव कर दो, मैं जूनियर को पूछ लेगी प्रूव कर दो और नॉर्मल उसके परपेंडिकुलर होता है तो x प्लस वाई को उसको हम उसके वो क्या कहते हैं कोफिशिएंट होते हैं उसको चेंज करके माइनस कर देते तो उससे किया और फिर वो उसका वो क्या बोल रहा, देखो टेंजेंट की क्वेश्चन क्या आती है x cos थीटा y a और तुम y sin थीटा y कितनी आती है b, b तो तुम्हारे साथ क्या किया था x sin थीटा y b माइनस y cos थीटा y a।